एक पूर्व सिटी बिकॉज हमारे सिटी में पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है हमने जो सारा का सारा गंदा पानी है, का, नदियों में हमने छोड़ दिया है। जो हमारी नदिया है वो बहुत ज्यादा उसी वजह से हमारी सिटी के बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं और बीमार होने की वजह से देखो यार हमारे सिटी के बहुत सारे लोग मर भी रहे तो मैंने सोचा कि ना इस प्रॉब्लम आज की वीडियो में सोल्ट आउट की जाए सबसे पहले हमको ये चेकआउट करना पड़ेगा कि जो ड्रेन पाइप है वो मैंने कहा लगाए तो एज यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रेन पाइप्स है ड्रेन पाइप ये वाला होता है ना हाँ ये वाला है ड्रेन पाइप है तो जितने भी सारे ड्रेन पाइप ये नदी के अंदर जा रहे हैं ना मैं इन सारे के सारे ड्रेन पाइप्स को यहाँ से निकाल कर हम किसी नए आइलैंड पे एक बहुत बड़ा ऐसा गड्ढा बनाएंगे एंड उसी गड्ढे में ये सारा का सारा पानी जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेमर्स हमको एक नई लैंड परचेस करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो पूप आइलैंड होगा वो हमारी सिटी से मैं दूर बनाना चाहता हूँ तो ये वाला जो स्पॉट है इसको अभी मैं परचेस कर लेता हूँ थर्टी टू में मैंने एक नई लैंड परचेस कर लिए एंड इसी लैंड के ऊपर अभी हमारा पूप आइलैंड बनने वाला है तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि ये जो लैंड है इसको मतलब मुझे ऐसे ऊपर लेके आना पड़ेगा अरे यार ऊपर लेके ऐसे इसकी हाइट बढ़ानी मुझे आ, इतना ठीक है या इतना ठीक है देन मुझे इसको लेवल करना पड़ेगा लेवल वाला ये रहा लेवल टेरेन अरे ओ भाई ये क्या हो गया हाँ सबसे पहले मुझे इसका ये नाप लेना पड़ेगा हाँ ये चीज़ ये चीज, चीज। एक्जैक्टली एक मैं यही चीज बनाना चाहता हूँ यहाँ पे तो ना इसको मैं पूरा लेवल कर देता हूँ भाई मुझे ज़्यादा भी ये बड़ा नहीं बनाना है हाँ एकदम पूरा परफेक्ट सर्कल बन गया गाइज या गाइस ये पूरा सर्कल बन चुका है एंड जो हमारा एलियन आइलैंड है उससे मैंने इसको छोटा बनाया क्योंकि यार एलियन आइलैंड सबसे बड़ा होना चाहिए अगर मैंने इसको इससे भी बड़ा बना दिया तो भाई पूप आइलैंड सबसे बड़ा हो जाएगा यानी वो चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहता अभी मुझे इसके अंदर होल्स करने तो होल्स करने के लिए मुझे दूसरा टूल चाहिए जिससे हम इसके अंदर होल्स कर सकते हैं सो गेमर्स फाइनली हमारा जो पूप आइलैंड है उसका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है एंड ये एकदम परफेक्ट सर्कल है लेकिन मैं ना इसके ऊपर थोड़े से रोड्स वगैरह भी बनाना चाहूंगा तो मैं शुरुआत करता हूँ नॉर्मल रोड से यहाँ से मैं एक ऐसा रोड बनाएंगे या भाई इसके ऊपर रोड में बना सकता हूँ जो कि काफी अच्छी बात है आ, मैं ना यहाँ पे भी थोड़े से देन घर वगैरह बना दूंगा मतलब इस पूप आइलैंड की रखवाली करने के लिए यू नो थोड़े से घर वगैरह होने चाहिए तो मैं भी यहाँ पे एक रोड बनाए तो प्लीज भाई ये पूरा रोड कंप्लीट हो जाना चाहिए यहाँ तक मुझे लग रहा है हो जाएगा या ये यहाँ तक आएगा देन यहाँ से यहाँ पे आएगा लेट्स गो गाइज ये रोड पूरा हो जाएगा सर्कल वाला रोड ओके गाइज मैंने इसके चारों तरफ रोड्स भी बना दिए तो यहाँ पे यू नो मैं थोड़े बहुत घर वगैरह भी बना दूंगा एंड वैसे घर से याद आया अगर मुझे घर बनाना है तो मैं यहाँ पे बीच में भी यू नो छोटा सा एक मतलब किसी का घर वगैरह मैं बना दूंगा तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ मुझे शिफ्ट टर्न करना पड़ेगा हाँ नहीं लेवल टर्न करना पड़ेगा और मुझे इसका नाप चाहिए और ब्रश साइज़ मुझे छोटा करना पड़ेगा या लेट्स गो यहाँ तक आएगा ये एंड इससे यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड बनेगा हाँ ये वाला आइलैंड देखो ये छोटा आइलैंड रहेगा और इसके ऊपर थोड़े से लोग रहेंगे सर्कल के अंदर एक और सर्कल बना दिया एंड यहाँ पे थोड़े से लोग रहेंगे तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक ब्रिज बनाना पड़ेगा Uh, जो कि uh, यहां से वहां तक कनेक्ट होगा ठीक है ये वाला हाँ हो रहा है भाई ब्रिज भी आ रहा है यहाँ पे वेरी नाइस गाइज एक ब्रिज बना दिया तो मुझे टोटल यहाँ पे दो रोड बनाना चाहिए आई थिंक तो एक आएगा यहाँ तक ऐसा परफेक्ट uh, दो रोड बन गए अरे यार ये थोड़ा सा ना आई मीन थोड़ा सा गलत लग रहा है ये मुझे थोड़ा सा uh, यहाँ से बनाना चाहिए ओके okay. परफेक्ट मैंने दो रोड्स गाइज यहाँ पे बना दिए एंड देन यहाँ पे मुझे इन दोनों रोड्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे भी मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे इनको कनेक्शन ऐसे कर देता हूँ वेरी नाइस वेरी गुड एंड कनेक्टेड ओवर हेयर ओके गाइज यहाँ पे मैंने रोड्स भी बना दिए तो भी यहाँ पर लोग वगैरह भी रह पाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है uh, मुझे यहाँ पे ये यह देखना पड़ेगा कि मैं पाइप का कनेक्शन तो लेके जा सकता हूँ मतलब ये वाला पाइप यहाँ तक तो आ रहा है बट यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है पाइप तो क्या मैं इसको चारों तरफ ऐसे घुमा के भाई ये 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 कैसे करूँगा मैं क्या मैं यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ हाँ यहाँ से यहाँ तक आ रहा है पाइप देन यहाँ से वो आ रहा है आ रहा है रहे आ रहा है आ रहा है एक सेकंड धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे इसका कनेक्शन नीचे आ रहा है अभी आ रहा हाँ ओके यहाँ तक आ गया पाइप देन यहाँ से यहाँ तक आएगा हाँ ये पूरी जमीन हमारी है लेट्स गो पाइप का भी कई जुगाड़ बन चुका है मतलब मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है सो डरने की भी कोई जरूरत नहीं ठीक है तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ मुझे इनको भी पानी देना है क्योंकि यू नो ये भी पुप यहीं पे करेंगे ना इनका <laughs> तो ठीक है पानी का भी काज करेक्शन आ चुका है और अभी सबसे पहले मुझे सारे के सारे जो नल है उनको शिफ्ट करना पड़ेगा आई I मीन mean, जो ड्रेन पाइप है देखो इससे सारा गंदा पानी निकलता है तो मुझे इसको शिफ्ट करके हमारे पूप आइलैंड पर लगाना है चारों तरफ चारों तरफ पुप आइलैंड के सारे के सारे बट यार यहाँ पे तो मैंने चारों तरफ रोड्स बना दिए ये रोड्स बना दिए तो मैं ये लगा नहीं पाऊंगा यहाँ पे एक सेकंड एक सेकंड तो एक काम करता हूं मैं ये जो मैंने गाइज एक्स्ट्रा रोड बनाए थे ना मुझे इन रोड पे यहाँ से हटाना पड़ेगा सारे के सारे गाइज मैंने रोड हटा दिए क्योंकि हमको यहाँ पे ड्रेनेज वाला वो पाइप लग रहा था भाई कहाँ पे गया वो अभी मुझे वापस से उसको लेकर आना पड़ेगा हाँ ये रहा चल भाई मेरे साथ तेरी अभी नई जगह है आई मीन तू नए तेरे पुप आइलैंड पे रहेगा सो लेट्स गो गाइज देखो तो सबसे पहले हमारा पंप लगेगा यहाँ पर लग रहा है उसका डायरेक्शन किधर है ओ यस इट्स वर्किंग देखो ये पानी यहाँ पे आ रहा है ओके ओके धीरे धीरे मैं सारा का सारा पानी कैसे सॉल्व कर दूंगा सबसे पहले मुझे गेम को पॉज करना पड़ेगा एंड देन बाकी के पंप्स कहाँ पे या, यहाँ पे एक पंप है मुझे इसको भी यहाँ से हटा के सारे के मतलब जितने भी पंप्स हैं ना मैं सारे यहाँ पे लगा दूंगा वैसे यहाँ पे मुझे पंप लगाने की जरूरत नहीं है मैं नए पंप भी लगा सकता हूँ एक काम करता हूँ मैं ना नए पंप से लगा दूंगा एंड बाद में जो पुराने वाले हैं उनको मैं वहाँ से हटा दूंगा रहेगा यहाँ पे एक रहेगा यहाँ पे एंड आखिरी पंप रहेगा हमारा यहाँ पे लग जा भाई ओके okay, एक यहाँ पे सो गाइज फाइनली एज यू कैन सी मैंने बहुत सारे जो ड्रेन पम्प्स हैं उनको यहाँ पे लगा दिया है एंड अभी बार ये सारे पंप्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने की जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि भाई हर एक पंप को एक दूसरे से कनेक्ट करना है क्योंकि अगर मैंने पंप्स को कनेक्ट नहीं करा अभी क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है भाई कनेक्ट तो हो होाना चाहिए या कनेक्ट हो रहे गाइज़ तो सारे करके मैं धीरे धीरे हर एक पंप को एक दूसरे से कनेक्ट कर दूंगा एंड उसके बाद Uh, हम इन सारे पंप्स को हमारे सिटी से कनेक्ट कर देंगे ताकि जो सारा का सारा सिटी का पूप है वो यहाँ पे आ सके एंड इससे हमारी जो नदियाँ है वो बिल्कुल भी पोल्यूट नहीं होंगी एंड आई थिंक सारे कनेक्ट हो गए ओके गाइज सारे के सारे जो पम्प्स थे मैंने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए है और अभी बस इसको ऑन करना है और ऑन करने के लिए मैं भी अभी शुरू हो जाएगा क्योंकि सारे पंप्स तो मैंने कनेक्ट कर दिए या आई थिंक अभी सभी पंप से पानी निकलना शुरू हो जाना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है वो निकल तो रहा है एक सेकेंड इनको भाई इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए सोलर विंड वाला हाँ ये वाला यहाँ पे विंड तो काफ़ी ज़्यादा होगी बट यार यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है गाइस यार आ, पवन चक्की फिट होगी क्या फिर हाँ यहाँ पे हो रहा है ओके तो इनसे आई थिंक सबको इलेक्ट्रिसिटी मिल जानी चाहिए ओके इलेक्ट्रिसिटी गाइज हमने दे दी है एंड जहां तक मुझे लग रहा है सारे पंप्स को काम करना चाहिए प्लीज गाइज गाइज फाइनली इट्स वर्किंग फाइनली अभी आई थिंक सबको इलेक्ट्रीसिटी मिल जाएगी जिससे कि सारे के सारे जो पंप्स है ड्रेनेज के पंप्स वो काम करेंगे एंड गाइज देखो धीरे धीरे भी इसके अंदर बहुत सारा पानी जमा होगा एंड अभी मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा पुप यहाँ पर इम्पोर्ट होगा आई I मीन mean, पूरे सिटी से यहाँ पे सारा का सारा जो मामला पानी है वो यहाँ पे आएगा एंड मेरे हिसाब से ये लीक नहीं करना चाहिए ये पूरा आइलैंड अगर इसने लिंक कर, लीक करना शुरू कर दिया तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ऑफिस वगैरह भी बना देता तो हम यहाँ पे ताकि यहाँ पे यू you नो know, थोड़े से लोग रहे सो फाइनली गेमर्स जो हमारा पुप लैंड का बीच वाला पार्ट है यहाँ पे भी देखो काफी सारी नई नई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही है जहाँ पे लोग आके रहेंगे हमारे सिटी में बाकी के जितने भी ड्रेनेज वाले पंप है ना मुझे उनको हटाना है हाँ देखो यहाँ पे बहुत सारे ड्रेनेज पंप्स है सीधा मैं उनको यहाँ से डिलीट ही करने वाला हूँ क्योंकि मुझे अभी इनकी ज़रूरत नहीं है सारा का सारा जो पूप है वो हमारे पूप आइलैंड के ऊपर जाएगा यहाँ पे भी देखो काफ़ी सारे मैंने ड्रेनेज drainage... एक सेकेंड ये वो ये वाटर पम्प तो नहीं है ना अरे ये वाटर पम्प है भाई 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 भाई, 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 भाई। आ, मैंने गलती से भाई गलत पंगा कर दिया ये वाटर पम्प है मुझे ड्रेनेज पम्प हटाना है अगर मैंने वाटर पम्प हटा दिया तो भाई लोग पानी के बिना मर जाएंगे हाँ ये वाला ड्रेनेज पंप है ड्रेनेज पाइप मुझे इसको हटाना है एक सेकेंड इसको क्या इशू आ रहा है भाई यहाँ पे अलग सा साइन आ रहा है सिटीजन्स आर सिक भाई इसी पानी की वजह से सिटीजन सिक है तो मुझे यहाँ पे एक वाटर प्योरीफायर भी लगाना पड़ेगा वाटर प्योरीफायर लगाने के लिए कहाँ गया वाटर प्योफाइर हाँ ये रहा वाटर प्योरीफायर बट इसको लगाने के लिए जगह है क्या भाई जगह ओ एक सेकंड यहाँ पे जगह है हाँ यहाँ पे लग रहा है ओके okay, तो यहाँ पे इस मैंने एक वाटर पंप भी आई मीन प्यूरीफायर लगा दिया इन लोगों के लिए नहीं तो भाई ये लोग बीमार हो जाएंगे और अगर ये मर गए तो हमारा काम कैसे होगा यहाँ से एक रोड का कनेक्शन भी बनेगा गा नीचे के लिए तो इसको मैं रोड को सीधा धीरे धीरे से नीचे ले जाने की कोशिश करता हूँ जैसे मैंने हमारे एलियन आइलैंड के लिए बनाया था एंड ये चीज़ भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ये रोड ऐसे नीचे बनाना और ये छोटा सा ही रोड रहेगा एंड एक सेकेंड यार ये बीच में अभी ये जगह आ रही है मुझे ये वाली भी लैंड परचेस करनी पड़ेगी नहीं तो मैं इस जगह को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा परचेस ठीक है मैंने इस लैंड को भी परचेस कर लिया और अभी देन हम इस रोड को कंप्लीट कर पाएंगे जस्ट uh, लाइक ये like यहाँ से इधर आएगा ओके कनेक्ट एंड आ गया गाइज फाइनली रोड नीचे आ चुका है भाई हो गया पेज डाउन ये आएगा यहाँ पे एंड सीधा मेन रोड से कनेक्ट ओके गाइज मैंने मेन रोड से इसको कनेक्ट कर दिया है तो अभी मैं भी वहाँ पे ना गाड़ियाँ आना जाना शुरू हो जाएंगी गार्बेज की गाड़ी अभी बाहर निकली यहाँ से तो मैं भी ये गार्बेज डालने के लिए नीचे जाने वाली यहाँ हाँ गाइज देखो फाइनली इट्स वर्किंग अभी देखो ये जो गार्बेज की गाड़ी है अभी हम इसका पीछा करेंगे धीरे धीरे भाई ये बहुत मैंने ऊंची जगह बनाई दैट्स वाई ये जूम देखो कितना अजीब तरीके से हो रहा है तो अभी देखो गार्बेज की एंड जो पुलिस की गाड़ी में भी ये में भी पुलिस की गाड़ी है या ये पुलिस की गाड़ी है तो अभी गार्बेज और पुलिस की गाड़ी अब नीचे जाएंगी ऑब्वियसली गार्बेज वगैरह डालने के लिए एंड इनको नीचे जाने के लिए भाई बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि भाई इस पूरे आइलैंड को ऐसे घूम के इनको नीचे जाना पड़ेगा क्या इस रोड पर कोई गाड़ी जा रही है ओ गाइज एक सेकेंड ये कौन सी गाड़ी है ये बंदा ऊपर जा रहा है ओ ये यहाँ पे रहता है वेरी नाइस गाइड फाइनली अभी देखो लोगों ने ऊपर आना जाना भी शुरू कर दिया है तो अभी यू you नो know, पे ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे फाइनली पूरे मिनट के बाद ये जो गाड़ी अभी नीचे से ऊपर आ रही थी ये ऊपर आ चुकी है ये बंदा फाइनली अपने घर पे जा रहा है मे बी एक वर्क करने के लिए यू नो नीचे वाली हमारे आइलैंड पे रहता है और uh, मतलब इसका घर आइलैंड पे है और काम करने के लिए नीचे वाले आइलैंड पे जाता है जेट्स की रेंटल क्या मैं ये जेट्स की रेंटल यहाँ पे बना सकता हूँ अगर ये बना दिया तो मे भी यहाँ पे जेट्स के वाले भी आएंगे लोग रहने के लिए आई मीन आई मीन वो यू नो वहाँ पे जेट स्की लेके आएंगे अपनी <laughs> देखो यहाँ पे छोटी छोटी जेट स्कीज भी है बट यहाँ पे लोग कैसे आएंगे इसको मुझे क्या रोड से कनेक्ट करना है अरे यार रोड से तो मैं कनेक्ट नहीं कर क्या ये ऊपर बनेगा क्या अरे यार ऊपर ये बनी नहीं रहा है मुझे थोड़ा सा इसको ऊपर बनाना पड़ेगा ताकि इसको मैं रोड से कनेक्ट कर सकूँ पू फाइट्स इसको क्या अभी अभी मैंने नाम भी दे दिया है पू फाइट्स नाम से एंड जो मैंने लास्ट टाइम जेट्स की बनाया था ये देखो अभी पूरी तरीके से पानी के अंदर चला गया है तो भाई ये धीरे धीरे ना ऐसे ऊपर आएगा और मुझे बस इसी बात का डर है कि बस ये पूरा जो सिटी है वो पानी के अंदर ना चला जाए अगर ये पानी के अंदर चला गया तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा अगर ऐसा हो गया ना तो मुझे सारे पंप्स को बंद करना पड़ेगा क्योंकि दैट इज़ द ओनली ऑप्शन अगर ये पूरा फिलअप हो गया ना तो डेफिनेटली ये ओवरफ्लो करने वाला है और तब तक हम वेट करेंगे मतलब देखेंगे भाई एक्चुअल में ये एक काम कैसा करता है एंड अगर मैं आपको सिनेमेटिक व्यू में दिखाऊंगा ना भाई ये बहुत बड़ा है आई मीन जस्ट लुक एट दिस कितना ज्यादा जायट हमने एक आइलैंड बना दिया जहा पे सारा का सारा पूप लोगों का जमा होता है एंड अगर मैं आपको हमारी एलियन सिटी से हमारे पूप आइलैंड का व्यू दिखाऊंगा ना तो भाई ये देखो कितना ज्यादा औसम लग रहा है देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा, 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 पूरा पूप आइलैंड यहाँ से दिखाई दे रहा है एंड एरोप्लेन oh, उसके अंदर चला गया वैक द नहीं 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 वो उसने टर्न लिया है भाई वो उसके अंदर चला गया आइलैंड के अंदर भाई वो मतलब उसका ये तो एक्सीडेंट तो ही होगा ना नहीं वो घूम के वापस आ गया भाई क्या हो रहा है क्राइम रेट इज हाई आइलैंड पे गए बहुत ज्यादा क्राइम रेट हो रहा है कोई पुलिस स्टेशन नहीं है क्या मैंने पुलिस स्टेशन तो जहाँ तक याद आ रहा है मैंने बनाया है हाँ भाई पुलिस स्टेशन तो है फिर भी क्राइम हो रहा है भाई ये तो दिन मेरी गलती नहीं है पानी का फ्लो तो गाइस धीरे धीरे ऊपर आ तो रहा है बट इसको हम नेक्स्ट वाले एपिसोड में देखेंगे आज के वीडियो में बस इतना है था आई होप आपको वीडियो में होगा आज हमने एक बहुत बड़ा पूप आइलैंड बनाया हमारे सिटी स्काइलैंड में एंड नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या ये ओवरफ्लो होता है एंड अगर ओवरफ्लो हुआ तो मुझे ना इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो यार प्लीज मुझे कॉमेंट्स में मतलब सजेस्ट कर दो मैं इसका क्या करूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग इन द नेक्स्ट वीडियो बाई गाइज